हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑल राउंडर। तो आज है आज मतलब मैं जो बना रही हूँ ये है बना रही हूँ थोड़ा सा आलू के पराठे। लंच की तैयारी कर रही हुई, दोपहर से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर, दोपहर से नहीं लंच के टाइम से 11 बजे से। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से 12 बजे, तो मैं उनके लिए ना गरम गरम आलू के पराठे, क्योंकि मुझे रात को निकलना ही था, तो इसलिए मैं सोची कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस आलू के पराठे रख देते, कि नहीं तो क्या है आलू सड़ जाएँगे। दो मतलब एक हफ्ते के लिए जा रहे तो आलू के आलू है ना सड़ जाएँगे, तो फ्रिज में नहीं रखती मैं, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो आलू है ना काम आ जाए। और मैंने अभी बच्चे आ गए थे डिंकी परी, तो मैं उनके लिए है ना पराठे सेक रही हूँ। और यहाँ पे देखिए परी खा रही, डिंकी खा रही है, नहीं डिंकी लड्डू बना रही, सॉरी वो एकदम फेर मैं शाम को मिली हूँ। तो गाइस वीडियो आगे बढ़ने के पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे है ना डिंकी है ना अभी अपने भाई के लिए बेसन के लड्डू बना रही है, तो वो है ना उसने बोला था टिंकल के, जैसे सफ़र में खाने के लिए भी, और टिंकल के भाई रिक्की ने बोला था कि बेसन के लड्डू ले आना, तो अपने वो बोल रही थी ठीक है मैं ही बनाऊँगी अपने हाथों से, तो वो अपने हाथों से बना के जा रहे, क्योंकि हमारी दीदी आ गई थी, नंद आ गई थी, तो हम उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि वो आई को मिलने आ गई थी, और फिर बस तो हम उनसे बात कर रहे थे। तो डिंकी ने ये देखिए लड्डू बना के रख दिए, तो कैसे बने ज़रूर बताइएगा गाइस। जब हमने टेस्ट की थी ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद ये देखिए फिर रात का लंच डिनर मिल एकदम से मिल, मतलब डिनर के साथ मिल रही हूँ आपको। तो यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि थोड़ी सी बनानी थी ताकि सफ़र में मतलब बच ना जाए, क्योंकि पूरा मुझे है ना बर्तन वगैरह साफ करके जाना था, तो इसलिए हमने है ना बिल्कुल। और आज है ना इतनी लाइट नाटक कर रही थी, बीच बीच में लाइट जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, यार बहुत ही परेशान हो गए थे हम लोग। और फिर हमको पैकिंग तो हमने 2 दिन पहले ही कर ली रखी थी, फिर भी है ना कुछ अधूरा सा रह जाता है, मन में जो इच्छा होती है ना पूरी होती ही नहीं है, तो ये बजट सामने आता है। कैसे हो आप सब? तो अभी मैं है ना सुबह से आज बहुत बिजी हूँ, क्योंकि है ना मुझे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और अभी मुझे रेडी भी होना है, और है ना आज इतना मतलब इतना ये था बेसन के लड्डू बनाए थोड़े जाने के लिए। और फिर है ना बीच में पीहू की मम्मी अंकिता भी आ गई थी, तो उनके साथ फिर कस्टमर भी आ गए थे आज, क्योंकि कुछ कस्टमर वो भी आज जाने वाले थे, तो इतना मतलब बिजी हो गए थे हम लोग, बहुत बिजी हो गए थे। फिर मेरे पास है ना हील वाली चप्पल है पूरी, 2-3 जोड़ी भी जो भी है तो हील वाली है, तो मैंने अपने लिए है ना ये वाली ये सिंपल फ्लैट की, ज़्यादा फ्लैट भी नहीं है और अच्छे से थोड़ी सी हील भी, तो ये शादी में पहनने के लिए मैंने ली है। तो ये मुझे है ना 300 की मिली है, क्योंकि उसके कम थे नहीं, 500 1000 यही वाले थे, और मुझे बिल्कुल सिंपल, क्योंकि बजट के अनुसार थोड़ा सा मुझे चाहिए था, तो मैंने ये ले लिए हैं। तो क्योंकि डिंकी परी के पास तो है, वो एक ना दूसरा पहन सकती है, और लाइट भी गई है, तो फिर बाद में मिलती हूँ, लाइट गई है। तो देखिए फिर बीच में मैं बोली ना तो लाइट चली गई थी, फिर यहाँ पे मैं है ना तैयारी कर रही हूँ जाने की, तैयारी क्या रात में सोते ही जाना है, तो बस ये थोड़े से मेरे जो और भी टिंकल रिक्की अपने सबने अपने अपने बैग ले ली थी, तो बस मैं अपना सामान देख रही थी और कितना है, क्योंकि जल्दी पहुँचो ना तो सही रहता है, लेकिन ये लोग बोल रहे थे नहीं थोड़ा लेट ही उठेंगे जाएंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं कुछ रखा तो नहीं है, क्योंकि सब देख कर जाना पड़ता है ना, तो यही है, नहीं तो कहीं वहाँ जाके फिर फालतू का पैसा और ये करो। तो मैं है ना 10:30 बज चुके हैं, शायद 10:30, हाँ 10:30 ही बज चुके हैं करे, तो ए वो देखना वो चेन जैसे लगा, और परी हम सब अभी वेट कर रहे हैं ऑटो वाले भैया की, क्योंकि हमेशा हम जिस ऑटो से जाते हैं ना वही ऑटो वाले भैया को बुलाया है, और 2 साल के बाद वो आएंगे, अभी जब मतलब मैं जहाँ रहती थी पुराने, तो वो वही है, उन्हीं के ऑटो में जाती है, क्योंकि हमें उनके ऑटो में मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, तो उनका ऑटो बुलाया है, तो उनके ऑटो वो आएंगे, तो अभी इसलिए हम बैठे हैं और सामान चेक कर रहे थे सब है कि नहीं है। तो अभी का व्लॉग यहाँ तक ही मैं आपको दिखाऊंगी, फिर नेक्स्ट जो स्टेशन जाऊंगी तो जो ऑटो से बैठूंगी तो वो स्टेशन मतलब जो हमारा जो आएगा डेस्टिनेशन वहाँ तक आपको नेक्स्ट मिलेगा। अभी तक तो मैं यहीं पे एंड कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा दिखाऊंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे, तो ये बस घर घर का हमने क्या किया, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा नॉर्मल सा दिखा, क्योंकि इतना बिजी डे था आज, कैसा गया पता ही नहीं चला, और बच्चे बहुत एक्साइट है, और मेरा है ना पर्स उतना नहीं चाहिए, हाँ मैं वो चेन लगा दूंगी, वो टिंकल पापा के पास दे दे, पापा लगा देंगे। तो बच्चे तो इतने धुमाकुल मचा रहे कि मेरे को पागल बना दिया दोनों ने ही, कब जाएंगे कब जाएंगे।
मत कर यार, उसके इसमें नहीं आएगा। मैं करती हूँ बराबर, पहले मैं ऐसे से पहले एडजस्ट करा पाइजी हो तो यही है। फिर इसके साथ भरते जा रहे जो दिखा वो भरते जा रहे तो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और देखो कि ये भरना वो भरना वो भरना वो भरना, तो यही है। सब तैयार हो गए है। परी वो मेकअप का है ना? ये मेकअप का नहीं है, इसमें वो रखा है ना। अच्छा, तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो बैन कर देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।